जो व्यक्ति आपका नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है वो कहीं भी धोखा दे सकता है। हेलो एवरीवन, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई अगर आपको धोखा दे तो क्या करे। अब बात आती है कि जब कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हैं। तो ज्यादातर लोग उस व्यक्ति के बारे में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लोगों से शिकायतें करते हैं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया। सिर्फ हम उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इससे आपका जीवन सही हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। जब हम किसी की शिकायतें करते हैं हमारा जीवन और बर्बादी की ओर जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि धोखा कोई भी दे सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। मतलब धोखा कौन देता है? धोखा लड़का या लड़की या पड़ोसी या ऐसा कोई रिलेशन धोखा नहीं देता, रिश्ते नाते धोखा नहीं देते। धोखा एक इंसान देता है। इंसान की फितरत होती है धोखा देना। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर किसी को धोखा मिलता है। अब मैं आपको जो रियलिटी बताने वाली हूँ उस पर फोकस करिएगा। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का इतना ही है कि मैं आपको वो सजेशन दे सकूँ जो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है या आपने धोखा खाया है या कुछ ऐसी बात है तो आप उससे बाहर निकल सके, उस सिचुएशन में अपने आप में मायूस ना हो, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, आप मजबूती से खड़े हो सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब बात आती है कि जैसे आप किसी से दोस्ती रख रहे हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये लड़का और लड़की रिलेशन हर किसी के लिए है, एक इंसान के लिए है। तो अगर आपको वहाँ से धोखा मिलता है तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगी। तो मेरा बस मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके लायक था ही नहीं या थी ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान की फितरत धोखा देने की है वो आज नहीं आपको कभी भी देगा। हो सकता है कि आज आपको उसकी असलियत पता चल गई तो आप बच गए। अगर आपका भी बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो आज आप बच गए, लेकिन अगर यही शादी के बाद होता तो शायद आपकी लाइफ कुछ हद तक बर्बाद हो सकती थी। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि अगर शादी के बाद भी ज़िंदगी में ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आप उस सिचुएशन में क्या करें, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर उस व्यक्ति ने आज आपको धोखा दे दिया तो आप आज सतर्क हो जाइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज़्यादा उस व्यक्ति के लिए टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे बाहर निकलिए और मन से सोचिए कि जो व्यक्ति आपका नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है वो कहीं भी धोखा दे सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर वो धोखेबाज है, उसकी फितरत है धोखा देने की, तो वो व्यक्ति किसी के साथ भी सही नहीं रहने वाला। तो बस आप ये सोचिए कि एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आया था और आपकी लाइफ में अब उसकी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल आप उसे बाहर निकाल दीजिए। कभी भी उसके लिए मायूस मत होइए, खुश हो जाइए कि आपको पहले पता चल गया कि ये धोखेबाज इंसान था और आपकी लाइफ अब बेहतर हो सकती है। आप उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहला काम, अगर कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देता है तो बस उसे एक ही काम, राम राम करिए, अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। उन व्यक्तियों को, उन लोगों को परेशानी आती है जिनके साथ अगर कुछ गलत हो जाए वो वहीं थम जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। आप तो ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी नरक होने से बच गई। सोचिए कि अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहते और वो नहीं पता चलता आपको और आपको धोखा देता रहता और फिर कभी आपको बाद में पता चलता तो कितना बेकार होता, कितना बुरा होता। तो सोचिए कि अगर आपको पहले पता चल गया तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल उसके लिए गम करने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
के बिना भी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब ये डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, आपको ये निर्णय लेना है कि आप अपनी लाइफ को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे तो जो धोखा देने वाला इंसान है उसे तो सज़ा मिलेगी ही, साथ में सबसे बड़ी उसकी सज़ा यही होगी कि आप अपनी लाइफ को कितना बेहतर तरीके से जी रहे हैं। धोखा देने वाला इंसान कभी भी नहीं सोचता कि जिसे उसने धोखा दिया है वो अपनी लाइफ में खुश रहे, वो तो सोचता है कि मैंने धोखा दिया और मेरे नाम पे वो रोता रहेगा ज़िंदगी भर। तो ये खुशी उसे मत दीजिए, उसके लिए यही सजा है कि आप उसे अपनी लाइफ से बाहर करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाइए और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लीजिए कि देखने वाला व्यक्ति भी सोचे कि ये इंसान वाकई में गजब है। तो आप बस यही है मेन पॉइंट कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। किसी इंसान के धोखा देने से आपकी लाइफ रुक नहीं जाती है, आप आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को एक अलग मुकाम दीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना सीखिए। और धोखा देने वाले व्यक्ति के लिए पछतावा या पश्चाताप या रोने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक ही काम है, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार हो, जय श्री राम और बाहर निकलो, मेरी लाइफ से बाहर हो जाओ। ऐसे चीटर इंसान की, ऐसे धोखेबाज इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। और ये यकीन रखिए कि जो व्यक्ति आपका नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हो सकता, वो हर जगह यही काम करेगा और उसको इसकी काफ़ी बड़ी सज़ा मिलती है। जो धोखेबाज इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आपको कुछ उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है कि एक धोखेबाज इंसान आपकी लाइफ से चला गया। तो बस इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया कि इंसान आपको धोखा क्यों देता है, आज का वीडियो कि अगर कोई धोखा दे तो उससे अपने आप को कैसे संभाले, कैसे बाहर निकले, तो एक ही रास्ता है, आप अपने आप को मजबूत बनाइए। किसी के पीछे रोने, गिड़गिड़ाने या शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का एक मकसद है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धोखा हो, चाहे जो भी परेशानियां, जो भी सिचुएशन आए, बस उन परिस्थितियों में बस ये समझिए कि काम कैसे करना है। तो जो तरीका मैंने बताया है कि धोखेबाज इंसान के लिए कभी भी रोना, गिड़गिड़ाना या किसी से शिकायतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस उसको अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए। बस यही एक रास्ता है कि अपनी लाइफ से धोखेबाज इंसान को बाहर करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बना लीजिए। कभी भी उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ तब होती है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं। और जब आप ऐसा सोचेंगे कि धोखेबाज इंसान था, आज नहीं तो कल आपको धोखा देता, अच्छा हुआ आपकी लाइफ से चला गया, तो आपको दुख नहीं खुशी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या मदद मिली इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।